गाइस, गुड मॉर्निंग। ऊपर आओ ईशु, ऊपर आओ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है श्राद्ध। सो श्राद्ध करने का वे ये है कि मतलब अभी फाइनल श्राद्ध नहीं हुआ है, श्राद्ध लास्ट में होगा। बट क्या है ना, जब मेरी सिचुएशन ठीक रहती थी तो मैं इस तरीके से हर रोज रोटियां निकाल देती थी गाय के लिए, डॉगी के लिए, चींटियों के लिए और जो भी है कौवे के लिए। सो इस तरीके से रोटियां निकाल दे रही। बट अभी हालत ऐसी हो रही है ना, मॉर्निंग में अपने खाने के बांधे हो रहे हैं। हाँ, मॉर्निंग में मुझे कुछ ना कुछ जल्दी से खाना होता है। बट आज मैंने हिम्मत करके नहा के बिना कुछ खाए श्राद्ध निपटा दिया है। और यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, आप अपनी हालत पे पहले फोकस करो, अपनी हालत पे अपना ध्यान दो। और जब आपको लगता है कि अभी आप ठीक हो, उसके बाद ही सारी ही चीज़ें आपको करनी चाहिए। सो आज मुझे बेटर फील हो रहा था तो फटाफट से मैं सुबह में नहा गई। और नहाते नहाते भी आप देखो ना कितना टाइम हो गया मेरे को, और बाहर काम चल रहा है सो इस वजह से आवाज़ें आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है ना, अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सो अभी मैं जा रही हूँ जूस पीने के लिए। पूजा अच्छे से हो गई है, मॉर्निंग में उठी थी, पूरा किचन क्लीन करा। किचन क्लीन करने के बाद रोटी और मैं चीनी ही चढ़ाती हूँ। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आपके घर में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो आप एक रोटी का भोग लगा सकते हो, वही पितरों तक पहुँच जाता है। सो मैंने वही किया है अभी। सो फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे भी और सभी लोगों को। नाश्ता नहीं हुआ है तो सबसे पहले मम्मी को नाश्ता दे देते हैं। नाश्ता देने के बाद फिर चलते हैं जूस पीने के लिए। और ये है हमारे कैमरामैन जो उठ गए टाइम पे और मुझे शूट करने लगे कि बाबू आप मॉर्निंग में क्या कर रहे हो, ये ऐसे वाला शूट नहीं। सो ये बोलने लगे कि मॉर्निंग में आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ, मतलब खाने से पहले एक रोटी निकाल दो ना। सो ऐसा हो रहा था तो नहाना नहीं हो रहा था ना, बिना नहाए हम रोटी नहीं निकाल सकते भगवान जी के लिए। निकाल भी सकते हैं अगर आपका हालत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो अभी पूजा वगैरह हो गई है, अभी चलते हैं नाश्ता देके जूस पीने के बाद और फिर मिलते हैं आपका। कि दादी को खाना देके आओ, नाश्ता नाश्ता बोलो दादी, जाओ दादी को देके आओ। इधर है दादी, इधर है, इधर है, इधर इधर बोलो दादी आ जाओ। विशु गिराना नहीं है, मम्मी विशु हमेशा तो थाली सही ले जाते हैं और आज उन्होंने लुढ़का दी। मम्मी 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 लो नाश्ता कर लो। जगह नहीं है आपके लिए। कैसे बोले भैया को कि भैया मुझे भी बैठना है, आपको भी बैठना है। लो भैया ने आपके लिए देखो ये हटा दिया है ना। आओ बैठो, अभी आ जाओ इधर, मुझे बैठना है। बैठना है अभी, बैठना है, बैठ। ओके, और दादा को नहीं बैठना है, दादा को भी बोलो भैया दादा को भी बैठना है। हटा क्यों नहीं रहे हो? तो बैठा है खाने के लिए। तो आपने बैठने रहने दिया उन्हें? बैठने नहीं दिया, मैंने काट लेंगे तो। अच्छा, तो इनका सीजन है। अच्छा, ऐसे नहीं काटेंगे? हाँ, इनका सीजन है, इसको आगे पीछे करूंगा तो मेरे को ही काट लेंगे। चुके हैं और आपको पता है अश्विन जी मेरे लिए ये वाला जूस भी लेके आए थे जिसकी पैकिंग अभी खुली नहीं है। किसने बोला नहीं खुली है? और ये देखो है ना, मैंने एक पैकिंग खोल दी। तो आपने अपने जूस की खोली होगी ना, मेरे जूस की तो पैकिंग नहीं खुली है ना। सो कोई फायदा नहीं है इन जूसों का भी, ठीक है, क्योंकि इनका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। खोल दूं हम? क्या है इसके अंदर? इसके अंदर किसने बताया आपको?
ना सब सब आना मुझे विश करना विश करना। चलो तो हम इस पैकेट को खोलते हैं पैकेट को खोलते हैं चलो चलो लेट्स स्टार्ट करो विशु करो लेट्स स्टार्ट करो बीजू आज तो पैकेट पे पैकेट आ रहे हैं आपके लिए दिखाओ दिखाओ कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है सो गाइस इसमें बीजू का एक प्यारा सा ड्रेस है जो कि बीजू के बर्थडे के लिए मंगाया है बीजू खोल दो ये देखो देखो कैसे सीधा ले जाओ बेटा ओ ओ ओ कैसे जो लगा के ये क्या कर रहे हो दोनों के दोनों आज तो हैप्पी बर्थडे का भूत चढ़ा हुआ है विशु को विशु बोल रहे मेरा हैप्पी बर्थडे करो विशु ये वाला कौन से वाला विशु डिसाइड करेंगे विशु कौन से वाला शैम्पू वाला पता नहीं गाइस विशु ने डी मार्ट में परसों क्या देखा शैम्पू वाला बस शैम्पू वाला करते रहते हैं बताओ विशु कौन से वाला बताओ डिसाइड करो कौन से वाला उठाओ एक ये वाला ओके किसका है ये विशु का है ये पापा का है मम्मा का जरा देर में बदल जाता है जरा विशु मम्मा तुम्हारा दिली और आपका विशु कंफ्यूज है कौन सा पापा का है कौन सा मम्मा का है गरम गरम चलो खाओ बैठो मैं मिक्स कर दूं बेटा डैडा मिक्स कर यहाँ पे चल रही है मेरी लव स्टोरी इसको अभी बंद कर देते हैं सो फ्रेंड्स वेलकम अगेन मैं हो चुकी हूँ रेडी शाम के बज चुके हैं 6:15 और मुझे जाना है मार्केट किसी काम से मार्केट इसलिए जाना है कि मुझे एक तो ना ब्लाउज सिलवाना है अपना और आपने देख लिया होगा कि आज होप स्कोर्स से विशु के लिए ड्रेस आया एक और मीशो से कुछ और ऑर्डर किया था मेज वो भी आ गई है और बस दिन भर सुबह से ऐसे ही चलता रहा दिन में खाने में बना था तोरी चावल रोटी सो वो खाया उसके बाद मैंने चेंज कर लिया क्योंकि इसमें मुझे सफोकेशन हो रहा था इस वाली ड्रेस में चेंज करने के बाद मैं आपके सामने दोबारा से आई हूँ अभी तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं अश्मित जी उठ चुके हैं अश्मित जी तो मुझे लग रहा सो ही नहीं थे मैं तो सो गई थी सो मुझे अपना ब्लाउज रेडी करवाना है एक तो साड़ी का दूसरा हमें राइस लेके आना है ऑलरेडी राइस है बट फिर भी हमें ना अच्छे से राइस देख के लेके आने हैं मतलब स्टॉक में रखने हैं सो दूसरा है मुझे अपने लिए थोड़ी सी ड्रेसेस लेके आनी है तो वो लेने हम जा रहे हैं ड्रेसेस से मीन्स कोई कॉटन का सूट है तो उसकी लैगी नहीं है कोई लैगी है तो उसका सूट नहीं है सो इस तरीके से मेरे को लेके आना है दूसरा जाना है मुझे ब्यूटी पार्लर थ्रेडिंग करवाना है और बेबी शावर के लिए पता करके आना है कि वो मेकअप का कितना चार्जेस लेते हैं यहाँ पे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे करवा रही हूँ तो इतना नॉलेज नहीं है तो ये सारे काम हैं जो कि पेंडिंग है अभी विशु सो रहे हैं विशु को लेके भी जाना था पर अभी वो सो रहे हैं तो उनको लेके नहीं जाएंगे उनको घर पे ही छोड़ जाएंगे क्योंकि वो सो रहे हैं और उनको नींद होना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की सबसे पहले बच्चा कंफर्टेबल रहे वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेस्ट है बाकी चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी और वहाँ पे मेरी लव स्टोरी चल रही है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो चलते हैं यही मैंने वेयर कर लिया देखो इस तरीके से तो चलें अश्मित जी चलें आई एम रेडी ब्लाउज लेके भी अभी चले गया यार एक तो डर लगता है पता है मेरे दो ब्लाउज खराब हो गए ना तो उसके बाद से ना यहाँ पे ब्लाउज सिलवाने का मन नहीं करता रेडीमेड मंगा ले
और रेडीमेड भी इतने का ही आएगा और सिला भी इतने का ही जाएगा, तो रेडीमेड मंगाओ। हाँ फिर उसकी फिटिंग करनी पड़ती है, इनको कौन समझाए। चलो चले, सो ही नहीं आप। चलो मुझे घर 5:30 बज गए, उठ जाओ। चलो चलो चलो, 5:30 नहीं बोला, 5 बोला था मैंने। हाँ तो चलो चलते हैं, लस्टर ही चला दो आप हमारी। ये देखो मैं अच्छी लग रही, पता है मुझे बहुत कौन सा मंथ लगा हुआ था यहाँ पे ना, मुझे ना आई थिंक 4 या 3 मंथ लगा हुआ है। बस चलो बाबू बात तो बताओ, ये इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं तो उन पे चढ़ पाओगे? या मुझे सपोर्ट लगानी पड़ेगी? नहीं मैं सपोर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। ये देखो तो हम आ गए हैं एक पड़ोस की जगह पे, जहाँ पे इनका श्रृंगार की बात होने करनी है। श्रृंगार ब्यूटी पार्लर एक ही बात है यार, तो ये तो बंद है, वो बंद है। कितने प्यारे प्यारे से है देखो मीठू, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो अभी दो हैं यहाँ, भैया का भी है और उनकी वाइफ का भी है, तो वाइफ वाला अभी बंद है, भैया वाला भी चालू है, तो भैया बाहर निकल के आ चुके हैं उधर देखो। अच्छा अभी तो मस्ती मस्ती, नहीं नहीं भैया नीचे, जब मस्ती मस्ती में अपना आप कर रहे थे तब कुछ नहीं। नहीं नहीं अब नीचे, चल मैं आपका हाथ करूँगा ना ऐसे, तो आप रहने दो, तुम छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। हाथ भी उखड़ जाएगा इतने वजन में, हाथ उखड़ जाएगा इतने वजन में। इन्हें बिठा दिया है यहाँ पे लड़कियों के पास। सो फ्रेंड्स अभी थ्रेडिंग मेरा हो चुका है, पार्लर का भी अभी पता करना था, वो भी मैंने कर लिया है। सो अश्विन जी पापा बैठे हैं, देखते हैं अभी क्या डिसाइड होता है, पार्लर मेरे को करवाना है या नहीं करवाना है। थ्रेडिंग तो बन चुका है, अभी चलते हैं। अश्विन जी बोल रहे हैं बाहर की लाइटें जला रखी है, मैंने कहा इतनी महंगाई में अंदर की जला रखी है, इतना काफ़ी नहीं है, है जी बस बस पैसे बचा बस बस और क्या। दिमाग ऐसे ख़राब हुआ ना, मैं आपको क्या ही बोलूं। सबसे पहले तो मेरा पार्लर जाके दिमाग ख़राब हुआ, पार्लर में 2.5 से 3 हज़ार रुपये ले रहे हैं आपके मेकअप करने के, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे पार्लर गई तो वहाँ पे थ्रेडिंग, आप देखो मेरी थ्रेडिंग बनाई और उसके चार्जेस आपको क्या ही बोलूं मैं, जहाँ 20 या 25 या 30 या 40 रुपीज लेते हैं, ना फॉरहेड किया ना थ्रेडिंग अच्छे से करी, आप देखो उसके उन्होंने ले लिए 50 रुपीज। और फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आप मतलब ब्राइडल का मतलब मेकअप करने का, सॉरी ब्राइडल नहीं मेकअप करने का कितना लोगे, तो बोलने लगे 3000 से स्टार्टिंग है, आप चाहे जैसा भी करवा सकते हैं, ठीक है ऐसा बोला उन्होंने मुझे। और बोलने के बाद अगर मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ, अगर आपसे ज़्यादा प्रोफेशनल आपको कोई करके दे सकता है तब आप करवाओ, अगर आप खुद में ही इतना कर सकते हो और फिर तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना आपको, जब आप खुद में ही कर सकते हो, प्रोफेशनल आपको कोई करके दे रहा है तब आप करवा सकते हैं, अदरवाइज तो बेकार है पैसा वेस्ट करना। सो ये हुआ, फिर मैं चली गई थी, दो जगह गई, एक गए हम डीमार्ट, दूसरा हम गए हाँ एक और स्टोर है
तो वहां से हम थोड़ा सा सामान लेके आए हैं, आप देखो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है क्लिप में आगे। और ये मैं थोड़ा सफाई करने वाला ले आई थी, तो विशु बोलने लगे मम्मा गिफ्ट दो, तो आज मम्मा का गिफ्ट यही है। कैसा लगा गिफ्ट? थैंक यू बोलो मम्मा को। तो ये है विशु का गिफ्ट। सो हम लेके आए हैं एक ये ग्लास का पेयर, टू पेयर है ये, मतलब हाँ टू नहीं, हाँ टू पेयर लेके आए हैं, ये हो गया। दूसरा हम लेके आए हैं ये एक बॉक्स मेडिसिन के लिए, और ये है एक चिमटी अगर हम प्री वो सॉरी बेबी शूट करते हैं तो कपड़े वपड़े टांगते हैं ना, तो ये ले आई हूँ। वैसे तो लकड़ी वाली रखी है तो वो वाली लगाएंगे, ये वाली नहीं लगाएंगे। सो एक ये बाउल का सेट है, ये ले आए थे। दूसरे वाला हम एक ये लेके आ गए थे, ठीक है। और ये लेके आ गए थे, डी मार्ट चले गए थे, और एक स्टोर है उसमें चले गए थे जहाँ से ये सब सामान ले आए हैं। ये देखो ये बर्ड्स भी ले आए हैं। सो यही था, मूड थोड़ा अच्छा से नहीं लगा मुझे। खोलोगे? पापा से खुलवा लो। सो ये सारा का सारा सामान लिया है, थोड़ा खाने पीने का सामान लिया है। कल आपने देखा था डी मार्ट गए थे तो थोड़ा सा सामान रह गया था, जैसे विशु के बिस्किट वगैरह, कैलोक्स रह गया था और हॉर्लिक्स रह गया था, ये सारे सामान रह गए थे, तो ये सब सामान भी ले आए हैं। और अभी खाने में बनने वाला है आलू गोभी की सब्जी, रायता, रोटी, ठीक है दिन में तो तोरी बनी थी। तो बस अब ये सब सामान समेटना है। हाँ ये वाला टन टन वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।